हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नेवी डबल एसएसआर में टोटल कितने फॉर्म आप लोगों के फिल हुए हैं, एंड सेकंड मैं बताऊंगा आप लोगों का जो सेंटर है कहाँ जा सकता है, ठीक है, वो भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को सिंपली। अब हम लोग जान लेते हैं टेलीग्राम के बारे में। टेलीग्राम चैनल आप लोग जो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, चाहे तो आप लोग डायरेक्ट जाके अगर सर्च करोगे डिफेंस कंपटीशन पॉइंट तो आप लोग का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। इधर आप लोगों को जो है मैं क्लास का अपडेट प्लस क्लास का जितने भी पीडीएफ होते हैं वो आप लोगों को मैं देता हूँ, ठीक है। हम लोगों का जो है नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो लूसेंट फिजिक्स की रहेगी। लूसेंट फिजिक्स को आप लोगों को मैं कंप्लीट कराऊंगा, आप लोगों का हिंदी में भी कराऊंगा प्लस इंग्लिश में भी कराने वाला हूँ, तो कंप्लीट बुक आप लोगों को कराऊंगा और वो बुक आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग उस बुक को कंप्लीट कर लेते हो देन आप लोग जो है 14 से 15 मार्क्स आराम से नेवी डबल एएसएसआर हो या फिर आप लोगों का एयरफोर्स का पेपर हो या फिर कोस्ट गार्ड का पेपर हो उधर आप लोग इतना स्कोर कर सकते हो। और नेवी में हम लोगों को पता है कि साइंस होता है तो 25 क्वेश्चन जो है साइंस के आते हैं ना कि फिजिक्स के, पर इसमें जो पोर्शन रहता है वो 18 टू 19 क्वेश्चन जो है फिजिक्स का रहता है, तो उसमें से भी आप लोग जो है 14 से 15 स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में अगर लूसेंट कर लेते हो तो, ठीक है। तो इस चैनल के साथ आप लोग बने रहिए क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट इधर मिलने वाला है। चलो करते हैं वीडियो को हम लोग स्टार्ट। अगर आप लोग देख पा रहे होगे इस वीडियो को, इस स्क्रीनशॉट को देख पा रहे होगे तो 11:59 पर मैंने ये स्क्रीनशॉट खींचा है, ठीक है, 5 मई, ठीक है, 5 मई का स्क्रीनशॉट है, 11:59 पर ये खींचा गया है स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगर आप इधर देखोगे तो कितने फॉर्म दे रखे हैं आप लोग को, 359,718 फॉर्म दे रखे हैं। इसको मैं क्या करता हूँ यार, 3.6 लाख मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर 11:59 पर मैंने स्क्रीनशॉट खींचा है, ठीक है, तो 12 AM तक आप लोगों के मे भी हो सकता है 3.6 लाख भर चुके हों फॉर्म, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं है, ठीक है। चलो ये इतना समझ आया कि नहीं, ठीक है, इसको आप लोग +10 या +5 कर सकते हो, इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे हुए होंगे, ठीक है, पर हम लोग एक अप्रॉक्स लेके चलते हैं 3.6 लाख। अगर हम लोग बात करते हैं 2018 में जब ऑफलाइन पेपर होता था तो तब जो फॉर्म का रेशियो रहता था 1.5 लाख से 2 लाख के अराउंड रहता था, और इधर अगर हम लोग रेशियो देख रहे हैं तो 3.5 लाख के अराउंड जो है फॉर्म भरे गए हैं आप लोग के। अगर बात करते हैं जब ऑनलाइन पेपर होता था तब आप लोग के 4-5 या फिर हम लोग बोल सकते हैं 6 लाख के अराउंड जो है फॉर्म भर जाते थे, समझ आया कि नहीं। तो अगर आप लोग डाउनफॉल देखोगे तो लगभग आधे फॉर्म ही भरे गए हैं इस बार, ठीक है। अब आधे फॉर्म क्यों भरे गए हैं, क्योंकि सबको पता है कि पेपर जो ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन पेपर का मतलब आप लोग समझते हो कि फॉर्म जो एडमिट कार्ड है वो केवल उन्हीं का आएगा जिनका परसेंटेज अच्छा खासा है, जिसका 80+ परसेंटेज है, 75+ परसेंटेज है, ठीक है। तो जो 70 वाला बच्चा होगा या 65+ वाला बच्चा होगा उसने फॉर्म भरा होगा इधर, ठीक है, इसलिए जो रेशियो वो आधा हो गया लगभग जब ऑनलाइन पेपर होता था, ठीक है। पेपर्स में भी ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है नेवी वालों के ऊपर, वो ऑनलाइन कराते हैं कि ऑफलाइन कराते हैं, ठीक है, वो टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों का जो सेंटर है वो कहाँ जाएगा, मेन यही था, ठीक है। तो सेंटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूपी की अगर बात करें तो यूपी का मैक्सिमम चांसेस बनते हैं जो सेंटर जाता है वो दिल्ली जाता है, ठीक है, या फिर पंजाब भी जा सकता है आप लोग का, ठीक है। अगर वो कम बच्चों का PFT और रिटेन कराएंगे तो आप लोगों का ये क्या करेंगे, जो 3ACA एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, ठीक है, कानपुर वाला, उधर भी भेज सकते हैं कुछ बच्चों को, ठीक है। तो मतलब अगर इन्हें कम बुलाने होंगे तो सेंटर इंक्रीज करेंगे, जो एयरमैन वाले हैं वो भी सेंटर ये प्लस कर देंगे, ठीक है। तो सेंटर इन पर ज़्यादा हो जाएंगे और बच्चे कम बुलाएंगे, कोविड चल रहा है आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा, ओके, इतना समझ आया कि नहीं। मतलब कि इसका मतलब ये हो गया आप लोगों का जो सेंटर है, पहले जब ऑनलाइन पेपर होते थे जैसे कोई यूपी का बनता है, ठीक है, तो उसका पढ़ रहा है भैया तमिलनाडु में, तो ऐसा कुछ नहीं होना है इस बार, ठीक है। जो अगर आप लोग यूपी से हो तो यूपी के आसपास दिल्ली, पंजाब, हरियाणा भी पढ़ सकता है आप लोग का, ठीक है, या फिर कानपुर भी पढ़ सकता है, मतलब कि आसपास में ही पढ़ेगा, स्टेट में अगर पढ़ता है, और स्टेट के अंदर आप लोगों को पता है कानपुर में पढ़ सकता है और कहीं नहीं पढ़ सकता, ठीक है। चलो ये भी डाउट मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया। अगर आप लोगों को कोई और डाउट बचता है, ठीक है, कोई भी डाउट आप लोगों को नेवी डबल एएसएसआर के रिलेटेड या फिर कोई भी और पेपर के रिलेटेड आप लोगों को डाउट है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उधर आप लोग डाउट अपना पूछ सकते हो और मैं उसका आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।